अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर फार्मेसी पर। आज की इस वीडियो में हम फोकस करेंगे एससीपी के चैप्टर 9 पर। तो चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको एमसीक्यूज मिलते रहें। चलिए चलते हैं चैप्टर 9 की तरफ। सो बेसिकली चैप्टर 9 में जो स्टडी करनी होती है सर्जिकल ड्रेसिंग से रिलेटेड हमें स्टडी करनी होती है, साथ साथ जो भी इक्विपमेंट वगैरह यूज़ होते हैं उससे रिलेटेड स्टडी करनी होती है। एग्जांपल के तौर पे जैसे कार्टन है, गज है, बैंडेजेस है, इसकी स्टडी करनी होती है, और आईवी सेट है, बीजी सेट है, रायल्स ट्यूब है, कैथेटर है, सिरिंज है, इन सब के बारे में भी डीपली स्टडी करनी होती है। सो जो यहाँ से एमसीक्यूज अराइज हो सकते थे हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। क्वेश्चन 1, इन द यूएसपी सर्जिकल कॉटन इज ऑफिशियली एज, ऑप्शंस हैं प्यूरिफाइड कॉटन, अनप्यूरिफाइड कॉटन, बोथ ए एंड सी, नन। सो यूएसपी के अकॉर्डिंग सर्जिकल कॉटन कैसा होना चाहिए, प्यूरिफाइड की नॉन प्यूरिफाइड? करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, प्यूरिफाइड कॉटन। क्वेश्चन 2, आइडियल ड्रेसिंग शुड हैव, ड्रेसिंग की जो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ऑप्शन में से हैं, इट शुड एब्जॉर्ब एक्सेसिव सिक्रीशंस, इट शुड नॉट कैरी एनी एजेंट दैट कॉज टिश्यू रिएक्शन, एलर्जिक और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज शुड नॉट चेंज, ऑल ऑफ द एबव। जो आइडियल ड्रेसिंग की प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, एक्सेसिव जो सिक्रीशंस होता है उसको एब्जॉर्ब कर ले वो, साथ साथ जो भी ड्रेसिंग हम कर रहे हैं वो टिश्यू से कोई रिएक्शन कॉज ना करे, कोई एलर्जी कॉज ना करे, कोई हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस कॉज ना हो, और उसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है वो स्किन के कॉन्टेक्ट में आने के बाद चेंज ना हो, ये सब इसके प्रॉपर्टीज़ हैं। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 3, सर्जिकल ड्रेसिंग इज सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू, ऑप्शंस हैं एनाटॉमिकल साइट, रिपेयर स्टेज, टाइप ऑफ वाउंड, ऑल ऑफ द एबव। किसके अकॉर्डिंग हम सर्जिकल ड्रेसिंग को सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा यहाँ पे मटेरियल लगेगा? एनाटॉमिकल साइट मींस कि किस साइट पे इंजरी हुई है, रिपेयर स्टेज जो इंजरीज हुई थी वो अब कितना रिपेयर हो चुकी है, टाइप ऑफ वाउंड की किस तरह की इंजरी है, ज़्यादा सीवियर है, ज़्यादा गहरी है, या एक्यूट इंजरी है, किस टाइप का कट है, किस टाइप की का वाउंड है, उसके अकॉर्डिंग सर्जिकल ड्रेसिंग को आइडेंटिफाई किया जाता है, मींस कि सर्जिकल ड्रेसिंग को सिलेक्ट किया जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 4, पेट्रोलेटम इम्प्रेग्नेटेड गज इज इन नेचर, पेट्रोलेटम इम्प्रेग्नेटेड गज नेचर में कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, बोथ ए एंड सी, नन। तो पेट्रोलेटम इम्प्रेग्नेटेड गज हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। क्वेश्चन 5, ऑन ट्रीटिंग द कॉटन फाइबर्स विथ आयोडीनेटेड जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन देयर टर्न, कॉटन फाइबर को जब आयोडीनेटेड जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन से ट्रीट कराया जाता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ऑप्शन है पिंक, वायलेट, रेड, नन। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा बी, वायलेट कलर का ये हो जाता है। क्वेश्चन 6, द कॉटन फाइबर्स आर सॉल्युबल इन डैश परसेंट सल्फ्यूरिक एसिड एंड दे आर इनसॉल्युबल इन 1.25 मोलर इन NaOH सॉल्यूशन। कॉटन फाइबर्स जो होते हैं वो कितने परसेंट सल्फ्यूरिक एसिड में सॉल्युबल होते हैं, चार ऑप्शन है 50%, 66%, 80%, 100%। तो 66% सल्फ्यूरिक एसिड में कॉटन फाइबर सॉल्युबल होते हैं, करेक्ट आंसर हमारा बी। क्वेश्चन 7, टेस्ट फॉर एब्जॉर्बेंसी इज ऑब्लिक आर,
कॉटन की जो टेस्टिंग होती है, एब्जॉर्बेंसी टेस्टिंग होती है, उसमें क्या क्या टेस्टिंग होती है? ऑप्शंस है टेस्ट फॉर सिंकिंग टाइम, टेस्ट फॉर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, बोथ ए एंड बी, नन। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हमारा सी, बोथ ए एंड बी, मींस कि टेस्ट फॉर सिंकिंग टाइम एंड टेस्ट फॉर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसके द्वारा एब्जॉर्बेंसी को टेस्ट किया जाता है कॉटन की। क्वेश्चन एट, सर्जिकल गज इज चेक्ड फॉर द स्टैंडर्ड्स। ऑप्शंस हैं यार्न नंबर, वेट पर यूनिट एरिया, थ्रेड पर स्टेटेड लेंथ, ऑल ऑफ द एबव। सर्जिकल गज का स्टैंडर्ड जो चेक किया जाता है, क्या क्या उसमें चेक किया जाता है? तो यार्न नंबर के थ्रू भी चेक किया जाता है, वेट पर यूनिट एरिया के अकॉर्डिंग भी, और थ्रेड पर स्टेटेड लेंथ के अकॉर्डिंग भी चेक किया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 9, द सिंकिंग टाइम ऑफ एब्जॉर्बेंट कॉटन नॉट मोर देन। जो कॉटन के डूबने की टाइमिंग होती है, अगर उसको वाटर में पोर किया जाए तो कितने सेकंड में वो डूब जाएगा? ऑप्शंस है हमारे पास 30 सेकेंड, 50 सेकेंड, 10 सेकेंड, 100 सेकेंड। तो एब्जॉर्बेंट कॉटन का जो सिंकिंग टाइम होता है वो 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, मींस कि 10 सेकेंड के अंदर अंदर ये पूरे वाटर में पोर हो जाएगा। क्वेश्चन 10, ड्रेसिंग्स आर रिकमेंडेड फॉर एक्यूट वाउंड्स टू। ऑप्शन है प्रमोट ऑटोलिसिस, कीप द वाउंड क्लीन, इन्हेंस ग्रोथ फैक्टर्स एंड साइटोकाइंस विथ इन वाउंड फ्लूइड, कीप द वाउंड एंड क्लीन। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हमारा बी, एक्यूट वाउंड के लिए जो ड्रेसिंग यूज होती है, बेसिकली उसका पर्पस होता है कि वो वाउंड को क्लीन किए रहे ताकि भी कोई भी कंटामिनेशन उस पर एक्ट ना कर सके, मीनिंग कि कंटामिनेशन को वो रोकता है। करेक्ट आंसर हमारा बी, कीप द वाउंड क्लीन। क्वेश्चन 11, सिरिंज टिप्स इज ऑब्लिक आर। सिरिंज की टिप्स होती है लोअर लुक टिप, इसेंट्रिक टिप, लोअर स्लिप टिप, ऑल ऑफ द एबव। लोअर लुक टिप जो होती है वो सिरिंज से परमानेंटली अटैच्ड होती है, वहीं पे लोअर जो स्लिप टिप होती है ये क्या होती है, आसानी से डिस्प्लेस हो जाती है। एसेंट्रिक टिप होती है इंजेक्शन फील्ड के पैरेलल जब नीडल को रखना होता है तो एसेंट्रिक टिप का यूज़ होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 12, फॉलोइंग आर द इलास्टिक बैंडेजेस एक्सेप्ट। ऑप्शन में से इलास्टिक बैंडेजेस कौन सा नहीं है? ऑप्शंस हैं क्रिप बैंडेज, कॉटन क्रिप बैंडेज, कॉटन कन्फर्मिंग बैंडेज, जिंक पेस्ट बैंडेज। तो करेक्ट आंसर होगा डी, जिंक पेस्ट बैंडेज, जो कि इलास्टिक बैंडेज के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन 13, प्रॉपर्टीज ऑफ सूचर इज ऑब्लिक आर। सूचर की प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑप्शंस हैं दे मस्ट हैव एडिक्वेट स्ट्रेंथ, दे मस्ट कॉज नो इरिटेशन, दे मस्ट हैव ए गज एज फाइन एज पॉसिबल, ऑल ऑफ द एबव। ये सारी इसकी क्या हैं, सूचर की प्रॉपर्टीज हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 14, टेस्ट फॉर एब्जॉर्बेंसी, 1 ग्राम एब्जॉर्बेंट कॉटन वूल रिटेन मिनिमम ऑफ वाटर। एब्जॉर्बेंसी टेस्ट के दौरान एब्जॉर्बेंट कॉटन, 1 ग्राम एब्जॉर्बेंट कॉटन कितने ग्राम वाटर को कंटेन करता है, कितने ग्राम वाटर को अपने अंदर सोख लेता है?
ऑप्शंस हैं 23 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम। करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, 23 ग्राम वाटर। मींस कि 1 ग्राम एब्जॉर्बेंट कॉटन वूल अगर वाटर में पोर किया जाए तो वो 23 ग्राम वाटर को कंटेन कर लेता है। क्वेश्चन 15, द थ्रेड यूज टू टाई ब्लड वेसल्स एंड टिश्यू इज कॉल्ड। ऐसा धागा जो ब्लड वेसल और टिश्यू को बांधने का काम करता है कहलाता है। ऑप्शंस है कैटगट, सर्जिकल नीडल, लिगेचर, सूचर। यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, सर्जिकल सूचर ऐसा थ्रेड होता है जो कि स्टिचिंग करने में काम आता है। मींस कि टिश्यू, मसल्स, टेंडन इन सब की स्टिचिंग करने में काम आता है। किसकी हेल्प से? निडल की हेल्प। तो वो कहलाते हैं हमारे सर्जिकल सूचर। वहीं पे बिना निडल का यूज़ किए हुए जो थ्रेड का इस्तेमाल होता है स्टिचिंग में, वो थ्रेड कहलाते हैं हमारे कैटगट, कंगारू, टेंडन एंड सिंथेटिक पॉलिएस्टर। और नेक्स्ट जो होता है सूचर, ऐसा सूचर जो कि बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है, मींस कि नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर होते हैं। एग्जांपल के तौर पे सिल्क, कॉटन, नायलॉन, सिंथेटिक पॉलिएस्टर फाइबर्स, स्टेनलेस स्टील वायर। तो ये सब क्या है? हमारे नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर के अंतर्गत आते हैं जो कि बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, कैटगट। चूँकि यहाँ पे मेंशन नहीं है कि आप निडल का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो मींस कि विदाउट निडल जो यूज़ किया जाता है वो हमारा होता है कैटगट। क्वेश्चन 16, द नेसोगैस्ट्रिक फीडिंग रूट इज़ कंट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट्स हैविंग हाई रिस्क ऑफ। मींस कि नाक के थ्रू जो पाइप वगैरह इंसर्ट कराई जाती है स्टोमक में और उसकी सहायता से पेशेंट को फीड कराया जाता है, तो उस दौरान पेशेंट को क्या क्या दिक्कत हो सकती है, उसको इंसर्ट कराने के बाद पेशेंट को क्या क्या समस्या हो सकती है, क्या क्या रिस्क ऑकर हो सकते हैं। ऑप्शंस हैं एस्पिरेशन, नासल इंजरी, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स, ऑल ऑफ द एबव। ये सारी समस्याएं हो सकती हैं, मींस कि उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, उसके जो नोस्ट्रियल पार्ट हैं वो डैमेज हो सकते हैं, और पेशेंट गैस्ट्रो रिफ्लक्स भी कर सकता है, मीन अंदर से वो रिफ्लक्स भी मार सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, ऑल ऑफ द एबव। ये सारे क्या हैं? रिस्क हैं। क्वेश्चन 17, विच वन इज इम्प्रिग्नेटेड बैंडेज। ऑप्शन में से कौन सा है जो इम्प्रिग्नेटेड बैंडेज है? ऑप्शंस हैं क्रीपी बैंडेज, कॉटन क्रीप बैंडेज, प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंडेज, कैम्ब्रिक बैंडेज। तो इम्प्रिग्नेटेड बैंडेज के अंतर्गत हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंडेज आता है। करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट, बीटी सेट। बीटी सेट के ट्यूब की लेंथ क्या होती है? ऑप्शंस हैं 15 फीट, 6.5 फीट, 2 फीट, 6 फीट। बीटी सेट की जो ट्यूब की लेंथ होती है बेसिकली 6 फीट होती है। करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन 19, इन इलास्टिक बैंडेजेस हैं। ऑप्शंस हैं डोमेड बैंडेज, कैम्ब्रिक और ओपन वोव बैंडेज, ट्रायंगुलर कैलिको बैंडेज, ऑल ऑफ द एबव। तो ये तीनों क्या हैं? इन इलास्टिक बैंडेजेस के अंतर्गत आते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 20, बीटी सेट कंसिस्ट ऑफ। बीटी सेट बना होता है, ऑप्शंस हैं स्पाइक, फिल्टर, ड्रिप चैम्बर, ऑल ऑफ द एबव। तो ये सब क्या है? बीटी सेट के पार्ट्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 21, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इज। ऑप्शंस हैं रॉयल ट्यूब, फॉली कैथेटर, इंडवेलिंग रिटेंशन,
नन। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इसमें से कौन सा होता है। क्वेश्चन 22, आईवी ट्रांसफ्यूजन सेट आर नॉन स्टरलाइज्ड पाइरोजन कंटेनिंग। जो आईवी ट्रांसफ्यूजन सेट होता है वो नॉन स्टरलाइज्ड होता है और उसमें पाइरोजन प्रेजेंट होते हैं, ये कथन सही है या गलत, इसका भी आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।